हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे SAA, कॉन्ग्रुएंट SAA। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडेंस साइड एंड एंगल ऑफ द अदर देन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब एंगल, मतलब एक साइड है और दो एंगल्स हैं। ठीक है, एक साइड है और दो एंगल्स हैं, के दरम्यान में ये वाली जो कोरस्पोंडेंस होगी ना, उसको आप कहते हैं SAS। ठीक है, SAA कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें देख लें, एक साइड है और दो एंगल हैं। ठीक है, वो कहता है एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, फिर एंगल बी जो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। देखें दो साइड होगी और ये वाली जो एक होगी इसकी साइड। ठीक है, तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। देखें बी सी कॉन्ग्रुएंट ये किसके है, ये इसके होगी ई एफ के। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, लेकिन ये किसकी डेफिनेशन, ये साइड एंगल, साइड इज कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल एंगल। ठीक है, मतलब एक साइड है और दो कंजेक्टिव एंगल है। देखिए ये दो कंजेक्टिव एंगल है और फिर ये एक साइड है, इसको कह ले साइड, या फिर ये वाली साइड कह ले। फिर ये ए सी किसके इक्वल होगा, वो डी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल एंगल। ठीक है, फिर आपने ये देखे, ये जो सिंबल होता है ये बेसिकली किसका होता है, ये कोरस्पोंडेंस का होता है। ठीक है, तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ई एफ, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल डी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल एंगल। ओके, अल्लाह हाफिज़।